में ही नारा शुरू किया था, आज जो है मुझे पता चला है कि कांग्रेसियों ने ग्वालियर में कल 26 नवंबर को वहाँ कार्यक्रम रखा है और नारा वही दिया है, संविधान के सम्मान में। हाँ दिया है, मेरे पास व्हाट्सएप है, संविधान के सम्मान में सारे कांग्रेसी मैदान में। नहीं, हम हमेशा हंसते हैं कि देखो इतने अच्छे लोग हैं कि हम लोगों का जुखम खाके भी फक्र महसूस करते हैं। बाबा साहेब ने जब 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 6 सेलेक्ट कमेटी बनाई के मेंबर थे, सेलेक्ट करती है कमेटी के 4-5 उसे फंडामेंटल राइट्स के लिए था, फेडरेशन के लिए था, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए था, उसके कमेटी बनी थी, उसका अलग अलग नाम है। उस कमेटी में सब जगह मेंबर थे, रेमजे मैग्राउंड बड़ा डरता था कि बाबा इसको कैसे झेलेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो बताऊंगे नहीं, वो ऊपर टेंशन में थे। वहाँ से बनी तो किसी ने मुझे बहुत पहले पूछा था कार्यक्रम में कि बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता कैसे हैं, 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसी पर जो है ये बना हुआ है, तो इसमें बाबा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन है। तब मैंने उनको जानकारी दी थी, अरे भाई मेरे तुमको आधी अधूरी जानकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो है 1935 वाला वो जिस आधार पर बना था, वो जो 6 कमेटी थी उस 6 कमेटी में जो बाबा साहब का जो मेमोरेंडम है, जो सजेशंस है, जो उनका ड्राफ्टेड मटेरियल है, वही बेस बना जो 1935 का एक्ट और वही जो भारतीय संविधान का आधार पुरुष है। तो उस महापुरुष ने अपनी थाली में जो जूठा 1930 और 31 में दिया था वही 1935 में जो है तुम्हारे को सजा के दे दिया गया था, और बाबा साहब उसी को ठीक ठाक करके फिर 1947 में देने शुरू कर दिया। तो तुम लोग डिबेट करने लगे 20 साल के बाद उस पर डिबेट कर रहे हो, उस पर जिस पर बाबा साहब ने 1931 में जो है मटेरियल दे दिया है, और डिबेट करने वाले लोग इस गलतफहमी में थे कि वो भारत के संविधान के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसमें तेज बहादुर सप्रे का नाम था, जिसमें आदिशैया का नाम था, जिसमें टीटी कृष्णाचारी का नाम था, जिसमें जो है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का नाम था, जिसमें ऐसे ऐसे 50 नाम दे सकते हैं जो सक्रिय भूमिका बनाते हैं। मैं भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के जो डिबेट्स हैं वो पूरे के पूरे डिबेट्स का मैंने 8 वॉल्यूम पढ़ा हुआ है, और मैं हाईलाइट करके खुश होता रहा। जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो उसको जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ हमेशा, जितनी भी किताबें होंगी आप जाके देख लेना, एक एक लाइन जो पढ़ी हुई है। मैं देखता रह गया कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल आता है, बाबा साहब से जो डिबेट कर रहे हैं ये भाई मेरे, इस देश के महापुरुष, अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं, हाईली क्वालिफाइड मानते हैं, घर घर में जिनकी पूजा उस समय होती थी, कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी थे। मुझे पता चला कि एक भी सेंटेंस, एक भी आर्गुमेंट, एक भी थाट ऐसा नहीं है जो उनका ओरिजिनल हो। कहीं न कहीं बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत का कैसा स्वरूप, देश का संविधान कैसा हो, देश की राज व्यवस्था कैसी हो, देश का सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हो, ये पहले ही 1927 से लेकर 1931 तक 35 तक ये सब पे कर दिया है। उसके बाद इस पर ही चर्चा करने वाले इस देश के महापुरुष कुछ नहीं है, हमारे महापुरुष का सिर्फ और सिर्फ जूठन परोस रहे हैं, और देश के लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि तो बहुत महापुरुष है, पूछो कौन है, फलाना नाम तो नहीं बोलूंगा, अब उसको मैं प्रमाणित कर देता हूँ। इसी की वजह से मुझे अमेरिका में जब मैं गया तो लोगों ने पूछा कि साहब बाबा साहेब भारत के निर्माता कैसे हैं, इसका प्रमाण चाहिए। तो मैंने फिर ये 17 पेज का एक नोट बनाया, आपको बता दूं कि मैंने देखा कि देश जब गुलाम था उसमें 28 एक्ट, जिस पर न गांधी जी को जानकारी है, न नेहरू जी को जानकारी है, न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानकारी है, न तेज बहादुर सप्रे को, किसी का भी नाम न किसी को जानकारी नहीं है। उस समय बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहब ने 28 बिल जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, उसमें इनका जो बाबा साहब के स्पीचेस हैं उसका मैंने लिस्ट दी। उसके बाद जो है फिर मैंने जो है आगे चल के मैंने देखा कि फिर चांस की बात है कि 28 थॉट
जो एक्ट में जो ऑलरेडी थे उसको अमेंडमेंट करके नए तरह से बाबा साहब ने डाला, वो ये भी 28 से। उसके बाद मैंने देखा कि 19 उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनवाए हुए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि इन्होंने 16 अपने जो थॉट थे बाबा साहब ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसमें डाला था। कुल 90 मैंने काउंट करके जो दिया कि कुल 90 ऐसी बातें हैं जो भारत के संविधान की आधारशिला हैं, उन आधारशिलाओं का सबसे बड़ा बैकग्राउंड थॉट का बैकग्राउंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 से लेकर 1937 तक उसकी पूरी मैंने लिस्ट तैयार करी और लिस्ट तैयार करके दे दिया कि भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था इन्हीं थॉट्स को, इन्हीं विचारधारा को एक जगह सिस्टमटाइज कर दिया था। उसके बाद उस पर डिबेट, उस पर चर्चा पर चर्चा करके कौन सा तीर मार लिया लोगों ने, बल्कि उसी जूठन को बाबा साहेब का जो वैचारिक जो है छोड़ दिया था, उसी पर चर्चा पर चर्चा करके संविधान निर्माण में थोड़ी सी भूमिका अदा करके लोग फक्र महसूस करने लगे। तब मुझे ये कहना पड़ गया कि तुम्हारी वैचारिक संपत्ति कुछ नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जूठन है, उससे ज्यादा कुछ भी। बात खत्म करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है। एक मिनट फटाफट, ये बात इसलिए मैंने कही है कि लोग चैलेंज करते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने क्या बनाया, वो तो पहले से था, ऐसा था, उन्होंने भी किया, सबने मिलकर बनाया, उन्होंने क्या कह दिया, उसके विषय में समय नहीं है ये बताने के लिए कि भारत के संविधान में ऐसी कौन सी मौलिक बात है जो दुनिया के अन्य संविधानों में नहीं है, समय नहीं है, बताऊंगा नहीं। लेकिन अभी एक समस्या आई थी, हर गवर्नर से, हर मिनिस्टर से या किसी जजेस से जब बात करो कि देश में भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है तो प्रश्न करते हैं, गीता रानी से प्रश्न करेंगे, अच्छा बताओ क्या देश बिना संविधान के चल रहा है, क्या न्यायालय बिना संविधान के चल रहा है, क्या सीएम जो बिना संविधान का काम कर रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर बिना संविधान का काम कर रहे हैं, क्या जो है भारत के राष्ट्रपति बिना संविधान काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों की बोलती तो हथियार नहीं है तो युद्ध कहां से करेंगे। तो मैंने हथियार ढूंढा, हथियार दिया कि भारत के संविधान में ये 100 संवैधानिक व्यवस्था है, उसके विपरीत 100 असंवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई है। तो ये जो है अस्त्र और शस्त्र दोनों, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र जो है दूर से मार दिया जाता है और शस्त्र जो है हाथ में रख के मारा जाता है, अस्त्र शस्त्र देना जरूरी था। तो मैंने क्या किया कि 100 उन पॉइंट्स को जो भारत के संविधान की मूल धारणा है, मूल उद्देश्य है, मौलिक उसका कॉन्सेप्ट है, मौलिक प्रोविजंस है, उसका मूल जो है तत्व है, सार तत्व है, वो मैंने 100 पॉइंट्स इधर दे दिया। इसके विपरीत इधर जो भारत के संविधान के खिलाफ जो व्यवस्था लागू हो गई है, लागू करने का रात दिन प्रयास किया जा रहा है, ये दे दिया है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। एक सांसद ने, जब उत्तर प्रदेश के सीएम ने यही प्रश्न किया कि क्या आप ऐसी फालतू की बातें करते, क्या भारत का संविधान लागू नहीं है, उस पर उनको बड़ा हराने की कोशिश की, वो धीरे से अपना पर्स खोली, उनके मुंह पर दे मारा, मुंह पर तो नहीं मारा होगा, हाथ पर दिया, मुझे बोला कि हमने तो मुंह पर मार दी, उनको हाथ में दिया और बोला कि इसको जरा पढ़ लो और बताओ कि क्या ये देश इस संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक चल रहा है। वो पढ़ने के बाद पहले चेहरा उतर गया, चाय रखी हुई ठंडी हो गई और कहने लगे कि नहीं बहन जी, बात तो आपकी ठीक ठाक है, इसमें है दम, दम कहा कि दम नहीं है, आप लोगों के षड्यंत्र का पर्दा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसी दिन उस महिला ने, उस सांसद ने सीएम जोगी से बोला कि आप लोग भारत के संविधान का चाहे जितना भी अनादर करो, जितना भी इसकी बेइज्जती करो, जितना भी इसको जो है संत के तहत दबाने सताने की कोशिश करो, ये जिंदा है तो जिंदा है, क्योंकि जिंदा दस्तावेज जो है इसलिए जिंदा है, उसके मानने चाहने वाले लोग जिंदा हैं। फिर उन्होंने पूछा, आपके एक आश्चर्यजनक और चमत्कारिक बात बता देता हूँ, चमत्कारिक भाषा शब्द मेरे अच्छे नहीं लगते मुझसे, लेकिन अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पूछा फिर आप क्यों आई हो, क्या बोल रहे हैं, एक ही बात छोटी सी बात है, नाखून के बराबर है, कर देना तो लगे कि तुम थोड़ा संवैधानिक हो, अदरवाइज तो हम लोग को पता है कि संविधान के प्रति वफादार नहीं है। ये भाषा अपनी है, उन्होंने पूछा क्यों,
बोला कि होता है एक लड़का है चंद्रशेखर रावण, वो जेल में है। किस बात पे जेल में है? तो अच्छी बात कर रहा है, घोड़ी पर जो है कोई दलित समाज का आदमी चढ़ गया तो गुनाह हो गया। राणा प्रताप जयंती के लिए परमिशन मिल गया, बाबा साहब की जयंती के लिए परमिशन नहीं देते, उससे विद्रोह कर दिया, ये गुनाह नहीं? नहीं ऐसे है कि उसको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो कभी न कभी वो क्रांति का ज्वाला बनेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बात जो जूही सावित्रीबाई फूले कह के आई, उसके बाद जो है उन्होंने ये बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको छोड़ना है। जो ही जो बीजेपी का जो है इसी दिल्ली में एक अधिवेशन होने वाला था, उसके पहले ही जो है कि वो कहीं कोर्ट से जीत ना जाए, कोर्ट से जो छूट ना जाए, कोई चार्जेस ये सब फाल्स हैं, इससे पहले ही जो बीजेपी लोगों ने उसको डिसाइड कर दिया है, उसको छोड़ देना है। वो लड़का जो है हमारे बीच में एक महापुरुष बैठे हुए हैं, इनकी प्रेरणा से इनके ज्ञान से जो बेल जो है वो इलाहाबाद में ये बनाए हुए बैठे हुए हमारे बीच में है, ये उन्होंने क्या किया मुझे पता है। एक एक चीज जो है उनके साथ रहा लड़का, बहुत सारी बातें तुमको गाइड किया, सब बातें होंगे, डॉक्यूमेंट्स इन्होंने तैयार करवाई, भूमिका इन्होंने बनाई, सब कुछ बातें हैं, लेकिन सरकारें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक सेंटेंस एक सांसद का नहीं, एक महापुरुष का, एक आदमी के कब जब काम कर जाती है उसका ये मैंने एक छोटे सा वाणी के दिया है कि संविधान का सहारा लेके जो ही उसने बात कही और वो बात जो है तीर तरह एकदम तीर की तरह लगी, और सीएम ने जो तुरंत जो इस बात को निर्णय लिया उस लड़के को छोड़ देना है, वो आज आजाद है, आजाद है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में इतनी ताकत है, जिंदा है, और एक से एक गद्दार को भी जो है जिस दिन हम जो साम्राज्य सड़क पर खड़ा करके तो ऑफिस में पोस्ट चाहे गवर्नर का हो, पोस्ट चाहे सीएम का हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो, चाहे जो भी डीएम पीएम जो भी नाम दे दीजिए, जिस दिन आप संविधान हाथ में लेके इन व्यवस्थाओं को हाथ में लेके कह देंगे कि तुम संवैधानिक तरह से संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से संविधान जो हमारा बना हुआ उसके माध्यम से उसके अनुसार उस स्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहे हो और काम नहीं कर रहे हो तो तुम राष्ट्र के प्रति और संविधान के प्रति वफादार आदमी नहीं हो, तुम राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो, संविधान के प्रति वफादार नहीं हो, देश के प्रति वफादार नहीं हो, तो मैं आपको कौन से नाम से संबोधित करूं आप खुद बता दो, उसके बाद बताने की जरूरत। तो जो वफादार नहीं होता है वो क्या होता है? गद्दार होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का जितने से बड़े ताकतवर आदमी हो, कितना भी बड़ा कैरेक्टर हो, यदि चपरासी भी जाके बोल देता कि आप गद्दार हो, मैं बता दूं सारी कलेक्टर चली जाएगी। राष्ट्रपति के सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें मिला के बोल दो कि आप भारत के जगह गद्दार हो, सारी राष्ट्रपति गिरी चली जाएगी। आप पीएम को भी खड़ा करके बोल दीजिए कि देखिए ये संवैधानिक व्यवस्था है, आप इसके खिलाफ काम कर रहे हो, इस देश का नाम जो है भारत है हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हो, ये संवैधानिक नहीं है, चेहरा ही नहीं उतरेगा, चरित्र ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी व्यक्तित्व का ही भंडाधार हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत आपके संविधान में है, और उस संविधान के सम्मान में आप सभी लोग जो इतने आए हुए हैं, ये आने का मकसद है वो ये है कि डॉक्टर देशराज, गीता रानी, इनकी पत्नी ये जो बैठी हुई हैं, भारती जी, अरुणा भारती जी, इन लोगों ने आप सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है, एक बड़े उद्देश्य को साथ में लेके कि दिल्ली को हिला कर रखा जाए, दिल्ली को जो है एक तरह से जो वाइब्रेंट कर दिया जाए, दिल्ली के जो मूल निवासी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज या दूसरी कम्युनिटीज के ऐसे लोग हैं जो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, उन सभी को जोड़कर एक कारवा लेके आगे बढ़े ताकि किसी मकसद पर हम लोग पहुंच जाए, किसी उद्देश्य को हासिल कर लें, उस उद्देश्य को लेकर चले हुए हैं। इसलिए जो है जब एक महिला कोई बहन बोल रही थी कि झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे साथ काम करते हैं, मैं बैठ के लिख रहा था कि नहीं, जो अच्छे काम करते हैं हम उनके साथ काम करते हैं। जो मैं कभी नहीं बोलता कि देशराज जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, अर्चना जी हमारे साथ काम कर रही हैं, हमारे रुखसर जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमेशा इस बात को मैं प्रचारित करता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, करके दिखाता हूँ कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। मुख्तसर साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। अर्चना जी एक अच्छा काम कर रही है, मैं उनके साथ हूँ। कांता अलाड़िया जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ये बात अलग है कि उनके साथ जाने के बाद उनको भी गाइड करना है, उनको भी सही रास्ते पर ले जाकर जो है उद्देश्य परक बनाने,
उसका हमारा अपना और आपका अपना जो दायित्व है उसमें निभा करने के लिए, उस दायित्व को पूरा करने के लिए जितनी दिलेरी, जितनी ताजगी और जितनी शिद्दत से मेरी कैपेसिटी क्षमता होती है, मैं उसमें कभी अपने को पीछे नहीं हटूंगा, कभी चूक नहीं होने दिया हो। और इसलिए जो है इस मानसिकता से मैं ग्रसित हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपके साथ, मैं काम कुछ कर रहा हूँ, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ना मेरा कोई संगठन नहीं कोई है, जहाँ अच्छे लोग मिल जाते हैं, जहाँ अच्छी विचारधारा होती है, जहाँ अच्छा मंच होता है, वही उनको प्रणाम करके उन्हीं को सैल्यूट करता हूँ, मैं उनके साथ जुड़ जाता हूँ कि चलो भाई थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो काट छाट करेंगे, भौतिक जो है थोड़ी सी भी जगह होगा तो मुझे पता है मेरी अपनी कैपेसिटी, मैं भौतिक रूप से जो है सफाई कर देता हूँ, जहाँ जो गलत ब्रांच निकलेगा छाट छाट करने लगता हूँ, जहाँ मंचों पर गलत काम किया मैंने मंचों से उतारा भी है, जहाँ लोगों ने मंच का दुरुपयोग किया है मैंने उनका धोया भी है, हमेशा जान लो मैंने मिस्त्रियों को धोया है, मैंने गवर्नर्स को धोए हुए हैं, मैं जजेस को धोया हुआ, उनका नाम लिस्ट बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ कब कब कौन सी गड़बड़ी हुई और कहाँ कहाँ जो मैंने उनको जो है बेइज्जत किया हुआ है। ये बेइज्जत नहीं है, ये प्रतिक्रांति है, ये काउंटर रिवोल्यूशन है। जब जय हेमराज राज में जस्टिस जय केजरीवाल कृष्ण के जजमेंट के पार्टी थे, उन्होंने 4 सेंटेंसेस गलत लिखे थे, उनको कान पटना के अधिवेशन में मैंने 1 घंटे तक उनको जलील किया हुआ था, चाय अच्छे नहीं लग रही थी, मैंने कहा साहब जजमेंट क्या पार्टी थे आपका जो है, ये जजमेंट है, जस्टिस कपाड़िया की राइटिंग है, आपने इसमें ऐतिहासिक गलतियां की हैं, ये आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ा नहीं, तो आप बता रहे हो, मैंने तो साइन कर दिया था कि हमारे सब फेवर में जा रहा था। हमने कहा कि ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको जानने की सख्त जो है जरूरत है, और सख्त जरूरत इसलिए भी है हम सभी लोगों को, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब यहाँ बुद्धिजीवी पैदा कर रहे हैं तो उस बुद्धिजीवियों की जवाबदारी ये होती है कि उस समाज में जाके सामाजिक नेता बने। यहाँ बौद्धिक नेता बनाया जाता है, और आपकी जवाबदारी, हमारी जवाबदारी ये होती है कि हम समाज में जाके सामाजिक नेता बने। उसी में से कोई अच्छा आदमी होगा तो राजनैतिक बन जाएगा, राजनेता बन जाएगा, और राजनेता बन जाएगा तो उसकी बैकग्राउंड जो है बुद्धिशील से, बुद्धिजीविता से हुई, प्रबुद्धि से हुई है, वो आदमी सामाजिक नेता बनता है, वो राजनीतिक नेता बनता है, तो वो सच्चा संवैधानिक नेता होगा। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, समय शुरू में मुझे देते तो कुछ अच्छी बातें जो मैं छोड़ दिया हूँ, 30-40 अच्छी बातें होती तो लोग